लैंडफॉल हो चुका है। जकाऊ में पहुंचने में 2 से 3 घंटे का वक्त और लगेगा, लेकिन अभी से असर दिखना शुरू हो चुका है। अभी से हमें अपने आप को कंट्रोल कर पाना, यहाँ पर अपने आप को संभाल पाना मुश्किल है, क्योंकि हवा की रफ्तार काफी ज्यादा है। 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इस वक्त हवा चल रही है, और कितना ज्यादा यहाँ पर नुकसान हो सकता है इसका आकलन कल सुबह होगा। लेकिन अभी से ही यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पर ये स्ट्रक्चर गिरा हुआ है, ये आप देखेंगे कि ये जो एंट्री थी इस होटल की, ये पूरी तरीके से बंद हो चुकी है। इधर आप देखेंगे ये गेट हिल रहा है, जैसे जलजले के वक्त महसूस होता है वैसे ही अनुभूति हो रही है। आगे आप देखेंगे ये दूसरा गेट का ये जो है दरवाजा, ये भी पूरी तरीके से टूट चुका है। जो बिजली के खंभे हैं वो हिल रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें जो टेलीफोन टावर्स होते हैं वो पूरी तरीके से हिल रहे हैं, तो कम्युनिकेशन पूरी तरीके से टूट जाता है। लेकिन अब इस बार जैसे की तैयारी की गई है तमाम एजेंसियों के द्वारा, चाहे हम केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में जो तालमेल है, तो कोशिश यही है कि कम से कम नुकसान हो। या आप देखेंगे द्वारका में घने बादल इस वक्त छाए हुए हैं, हालांकि बारिश अभी रुकी हुई है, लेकिन भीषण बारिश तो होगी ही। लेकिन जो हवा की रफ्तार है, जैसा कि मेरे सहयोगी विकास ठाकुर आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं, विकास देखिए यहां पर क्योंकि हम लोग लगातार ग्राउंड जीरो पर सुबह से मौजूद हैं, और इस वक्त कैसा मंजर है ये आप देख सकते हैं। जो हवा की गति है वो काफी ज्यादा है, और इस तरीके से यहाँ पर जो तस्वीर है वो वाकई चिंताजनक है। चुनौती काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि अभी तक तो हम कल्पना नहीं कर पा रहे, लेकिन अब हम देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो की रफ्तार है वो वाकई बहुत ज्यादा है। लैंडफॉल हो चुका है गुजरात के लिए, अभी 4 घंटे काफी ज्यादा अहम है। और मैं अपने सहयोगी जनक का रुख करूंगी। जनक, आपके तस्वीर दिखाने वाले हैं। देखिए देखिए जसप्रीत, ये जखाऊ की तस्वीर, खास तौर पर नलिया के पास में जखाऊ में मैं यहाँ पर हूँ, और ये तस्वीरें आप देख लीजिए। तीस रफ्तार से यहाँ तेज हवाएं चल रही है, लैंडफॉल की प्रक्रिया जब शुरू होती है तब बिल्कुल ये इसी तरीके की स्थिति शुरुआती दौर में देखने को मिलती है। तेज हवाओं के साथ बौछारे और उसके साथ गस्ट विंड जिसे कहते हैं वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार होगी, और अभी भी अगले दो, देखिए देखिए ये तस्वीरें देखिए कितनी भयावह तरीके से बारिश और तेज हवाएं दोनों का कॉम्बिनेशन यहां पर देखने को मिल रहा है। जिस बात का अंदेशा जो जताया जाता है इस ट्रैक को देखते हुए कि जखाऊ के पास से वो गुजरेगा, और बिल्कुल ये इसी तरीके से आउटर पेरिफेरी अगले 2 घंटे से पहले उसके टकराया, और उसके बाद अब लैंडफॉल की प्रक्रिया जमीन की सतह पर ले आता है। लैंडफॉल जिसे क्या कहते हैं, सतह पर ले आता है। पूरा का पूरा जो ताकत होती है पानी और साइक्लोन की, वो दोनों साथ में लेकर आते हैं, और यहाँ पर ये तस्वीरें देखने की से आपको अंदाजा लग जाएगा कितना भयावह स्थिति यहाँ पर खासतौर पर मुंद्रा, अब माफ कीजिएगा, नलिया और यहाँ पर जखाऊ में देखने को मिल पा रही है। और ये तस्वीरें कहने के लिए काफ़ी है कि कितनी भयावह स्थिति अगले 2 घंटे में भी होगी, क्योंकि ये शुरुआती दौर में है। अभी भी 9 सवानों का वो वक्त है जब ये पूरी तरीके से लैंडफॉल की प्रक्रिया एग्जैक्ट जिसकी आई है वो टच होगी, और जब वो टच होगी तो रात को 12 से 2 बजे तक या 3 बजे तक रात को कहर बरपा सकती है। 115 से 125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है, यही दिखाता है साइक्लोन की ताकत। और इस साइक्लोन को समझिए, बेपोर जो है वो साइक्लोन है, वो भी बुलाते हैं उसके साथ से वैसे फरियाद निकाल करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम कराड़िया जितेंद्र है। क्या नाम, क्या होता है आप? हमारा स्टेशन इंचार्ज हूँ। तो देखिए जैसा कि मेरे सहयोगी जनक आप तक जानकारी पहुंचा रहे थे, क्योंकि हवाओं की रफ्तार काफी ज्यादा है, और नुकसान कितना हुआ है विकास आप दिखाइए। वो दरवाजा पूरी तरीके से टूट चुका है, वो स्ट्रक्चर किसी भी वक्त गिर सकता है। यहाँ पर खड़े होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि तूफान का लैंडफॉल हो चुका है। जो इतिहास में अभी तक जितने भी तूफान आए हैं, जब जो लैंडफॉल होता है इसी रफ्तार से हवाएं चलती हैं, और अभी जो जकाऊ पहुंचने में 2 से 3 घंटे का समय और लगेगा, उसके बाद वहां पर किस तरह का मंजर होगा, किस तरह की स्थिति होगी। लेकिन द्वारका ये वो जिला है जहाँ पर पहले से ही रेड अलर्ट था। इसके अलावा अगर हम बात करें कच्छ की, जहाँ पर मेरे सहयोगी जनक है, वो भी रेड अलर्ट वहाँ पर था। हम बात करें राजकोट की, हम बात करें मोरबी की, हम बात करें पोरबंदर की, तो वहाँ पर येलो अलर्ट था, नुकसान वहाँ पर भी होगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि कितना मुश्किल है, और ये अनुभव बिल्कुल अलग है, क्योंकि हवा बहुत तेजी से आगे बढ़ती हुई, जब लैंडफॉल होता है तो ऐसा ही मंजर होता है, और डायरेक्ट जब हवा आ रही है तो क्योंकि हवा खेल को बिगाड़ सकती है, सब कुछ
लेने पर आतुर। एक तरफ समुद्र की लहरें, जो पानी जमा होगा, जो 400 गांव हैं, जब वहां पर पानी जमा होगा तो अलग स्थिति होगी। और उसमें काफी सारे लोगों को इवैक्यूएट किया गया है, 70,000 से ज्यादा लोगों को इवैक्यूएट किया गया है। जो आंकड़ा सामने आया है, 400 ऐसे गांव हैं जहां पर पानी भरेगा। तो जो पानी का नुकसान है, समुद्र से जो लहरों का नुकसान है, वो तो अलग है, लेकिन जो हवा की गति है, जो हवा की स्पीड है, वो जिस तरीके से इस वक्त नुकसान पहुंचा रही है, ये अपने आप में चिंता की बात है, परेशानी की बात है। और ये हम आपको 360 डिग्री व्यू दिखा रहे हैं। आप देखिए, ये गमले गिर चुके हैं। ये जो ऊपर लोगो है, ये किसी भी वक्त ये गिर सकता है। यानी कि यहाँ पर खड़े होना, यहाँ से रिपोर्टिंग करना, यहाँ से आप तक तस्वीरें पहुँचाना, आप यकीन मानिए सबसे मुश्किल है। आप यकीन मानिए, ये जो हम कल्पना नहीं कर पा रहे थे, वो हम इस वक्त अनुभव कर पा रहे हैं, जिस तरीके से हवा की रफ्तार है। और ऐसा हर कोई द्वारकावासी यहाँ पर अनुभव कर पा रहे होंगे, लेकिन ज्यादातर लोग घरों में कैद है, क्योंकि पक्के जो स्ट्रक्चर है, उसमें जो खिड़कियों के शीशे हैं, उसको नुकसान पहुंच सकता है, जो ग्रिल है उसको नुकसान पहुंच सकता है। हालांकि ज्यादा खतरा जो है वो कच्चे स्ट्रक्चर्स को है। और ये आप देखिए, ये आज की सबसे बड़ी तस्वीर, सबसे अहम तस्वीर, किस तरीके से ये यहाँ पर लोग जो बाहर निकल रहे हैं, जो ये होटल है, ये अपनी जान जोखिम में डाल करके बाहर निकल रहे हैं। और इस वक्त जो तस्वीरें हैं वो वाकई डराने वाली है। जो इस वक्त तस्वीरें हैं वो वाकई हैरान करने वाली है, परेशान करने वाली है। और इतिहास में अभी तक जितने भी चक्रवात आए हैं उनकी याद दिला दी है, क्योंकि बिपरजॉय का मतलब ही आपदा होता है। और जिस तरीके से समुद्र में ये बिपरजॉय, जो कि डीप डिप्रेशन का तूफान है, ये अब जमीन पर तबाही मचाने के लिए बिल्कुल आतुर है। और ये तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, ग्राउंड जीरो से हम आप तक आज की सबसे अहम तस्वीर पहुंचा रहे हैं, क्योंकि ये जो तूफान है, इसका लैंडफॉल हो चुका है, जकाऊ पहुंचने में कुछ समय और है। यानी कि हम कहेंगे कि कुछ बिल्कुल जसप्रीत, जिस तरीके की आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए अंदाजा इसी बात का था कि देखिए तबाही जो है वो होनी तय मानी जा रही है। जिस बात का हम जिक्र लगातार कर रहे थे, बिफोर इफेक्ट और आफ्टर इफेक्ट, देखिए यही कहा जाता है। और जैसे कि एनडीआरएफ ने भी साफ तौर पर कहा था कि जर्जर इमारतें जो हैं उनसे दूर रहे। उसके पीछे की बानगी में आपको एक तस्वीर दिखा रही हूँ, देखिए मेरे पीछे की आप जो तस्वीर देख पा रही है, दरअसल ये पूरा मकान जो है वो किस तरीके से भरभरा कर गिर पड़ा, क्योंकि पहले ही मौसम विभाग की तरफ से कहा गया था कि देखिए कोशिश करें कि जो भी जर्जर इमारतें हैं उनसे दूर रहे। मेरी सहयोगी अनुपमा भी आपको तस्वीरें दिखा रही थी। और यहाँ पर मैं आपको बताऊं, क्योंकि द्वारका यहाँ पर रेड अलर्ट है, सबसे ज्यादा खतरनाक तस्वीरें यहाँ से निकल करके सामने आ रही है, और वाकई मंजर भयावह है। मेरे सहयोगी विकास ठाकुर भी आप तक तस्वीरें यहाँ से पहुँचा रहे हैं। मैं आपको 360 डिग्री व्यू यहाँ से दिखाती हूँ, क्योंकि जो हवा की रफ्तार होती है उस पे ही सब कुछ डिपेंड करता है। एक पल में जैसे ही हवा की रफ्तार थोड़ी सी कम हो रही है, हम राहत की सांस ले रहे हैं, हम भी संभल करके आगे जाते हुए। ये आप देखिए कि कैसे ये जो बोट था ये नीचे आ चुका है, वो जो उसका दरवाजा था वो बाहर निकल चुका है। और ये जो दूसरा स्ट्रक्चर है ये भी किसी भी वक्त गिर सकता है। यानी कि यहाँ पर खड़े होना भी खतरे से खाली नहीं है। विकास, हम थोड़ा पीछे जाएंगे, हम थोड़ा पीछे सावधानी से, क्योंकि यहाँ पर जो ये स्ट्रक्चर, जो दरवाजा है, ये उड़ करके आ सकता है, जो नुकसान यहाँ पर पहुंचा सकता है। इधर आप देखिए, ये भी ये गेट, ये हिस्सा भी पूरी तरीके से टूट चुका है, ये हिस्सा अलग हो चुका है। हवा की रफ्तार बहुत ज्यादा है और आगे ये जो हिस्सा है ये भी कभी भी गिर सकता है। ये हम लोग इस वक्त ग्राउंड जीरो से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं। ये आप देखिए, ये जो पेड़ है ये भी, इसकी टहनियां ये टूट चुकी है, ये टहनियां भी किसी भी वक्त नीचे गिर सकती है। ये वाकई खतरनाक मंजर है, ये चुनौती बड़ी है, आपदा बड़ी है। ऐसे में तैयारी बड़े स्तर पर की गई है, तैयारी को भांपते हुए, खतरे को भांपते हुए, क्योंकि अभी जो है ये अभी की सबसे ताजा तस्वीर है, ये अभी की सबसे ताजा तस्वीर है। और जिस तरीके से ये स्ट्रक्चर देखिए गिर चुका है, ये आप देखिए, और जो ये शीशे का कांच का दरवाजा वो भी कमजोर पड़ा है, वो भी किसी भी वक्त अलग हो सकता है। तो ये जो पूरी एंट्री थी ये बंद हो चुकी है, ये अभी की सबसे ताजा तस्वीर है। और मैं अपडेट आपको दे दूं कि ओ गॉड, ये आप देखिए, ये उड़ के, ओ ओ सावधानी से, अरे ये स्ट्रक्चर देखिए, ये वाकई हम भी सावधानी से, ये यहाँ पर नुकसान पहुंचा सकता है। और ऐसा ही होता है,
चक्रवात में ऐसा ही होता है कि जब ये उड़कर ये तस्वीर आप देखिए, यहाँ पर ये अलग होता हुआ और ये जब ऐसे स्ट्रक्चर, क्योंकि ये कच्चा था, ऐसे में ये अब यहाँ पर हिट करेगा किसी को, इसलिए खतरा काफी बड़ा है। हम भी खतरे को भागते हुए थोड़ी सी दूरी हमने यहाँ से बना ली है। आप देखिए कि ये पूरी तरीके से स्ट्रक्चर अलग हो चुका है और तूफान में जब चीजें ऐसे उड़ती हैं तो फिर वाकई मंजर तबाही का है। मंजर हमारी मौजूदगी है और हम आपको एक तस्वीर दिखाते हैं किस तरह से जो दरिया का पानी था, जो समुन्द्र का पानी था, उसकी स्थिति देखिए सड़कों पर किस तरह से यहाँ ये पानी जो है ये भर गया है। चलने की सड़क थी और अभी आप देखेंगे तस्वीरों में ये पानी, देख लीजिए ये स्थिति, देखिए क्या पानी की गहराई देखिए। दरअसल ये एक निचला इलाका था, हम बार बार बता रहे हैं कि जो मांडवी का इलाका है ये निचला इलाका है। यहाँ पर प्रशासन ने सबसे ज़्यादा मुस्तैदी दिखाई क्योंकि यहाँ लोगों को, सर ये बताइए कि रास्ता क्या है और कितना पानी है, कैसा ये पानी कम है? से कम मेरे ख्याल से ये आदल पैदल आना जाना और हाँ, यहाँ से होता था हाँ। अभी जो समंदर का पानी जो आ गया एक्चुअल में यहाँ से तो घुटने के ऊपर से पानी जा रहा है, इसके सब से ये पूरा बंद हो चुका है सर। यहाँ पे साढ़े बताइए आप कब से रह रहे हैं यहाँ पे, क्या इससे पहले? इसे मेरे ख्याल से 12 साल के ऊपर हो गए यहाँ, एक्स्ट्रा ही है यहाँ से। और यहाँ पे इतनी हालात बुरे हैं कि इधर से 300-350 आदमी तो घर छोड़ के चले गए यहाँ से, यहाँ पे है भी नहीं। लोग यहाँ से घर छोड़ के चले गए लेकिन कुछ युवा जरूर नजर आ रहे हैं। और साथ ही देखिए यहाँ पर जो हवाओं की स्पीड है वो हम आपको दिखा रहे हैं इस पूरे इलाके में। हम दरअसल आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि निचले इलाकों में यहाँ पर ये स्ट्रक्चर गिर चुका है, यहाँ पर किस तरीके से जो यहाँ के कर्मचारी हैं वो इसको काट रहे हैं क्योंकि किसी के ऊपर भी ये गिर सकता है। ऐसी स्थिति है, ऐसे यहाँ के लोगों के लिए संकट है, परेशानी बड़ी है। और वहाँ से उड़ता हुआ विकास, वो तस्वीर आप दिखा दीजिए, यहाँ तक ये पहुँचा है। ये लकड़ियाँ है देखिए, हल्की है ये, किसी ये यहाँ पर हिट करती है और किसी को भी ये हिट कर सकती है। थोड़ा सा दूरी बनाते हुए विकास हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं क्योंकि वो वहाँ से उधर एंट्री बिल्कुल बंद हो गई थी और अब ये तूफान जो बिपरजॉय है, जैसा इसका नाम है बांग्ला भाषा में इसका मतलब आपदा होता है, तो ये आज की सबसे बड़ी तस्वीर है, सबसे अहम तस्वीर है जो हम आपको दिखा रहे हैं। ये देवभूमि द्वारका से, देवभूमि द्वारका। और देखिए महातूफान की ये तस्वीर किस तरह से, आईएमडी की महापत्रा आपको बता दे इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे इस पूरी स्थिति, पूरे हालात के बारे में, जो कि इस वक्त ग्राउंड जीरो से हमारी सहयोगी जसप्रीत भी पहुंचा रही हैं, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि आप पूरी डिटेल हमारे सामने रखें। अभी साइक्लोन एक पर जो है एक वेरी सीवियर साइक्लोन स्टर्म के हिसाब से सौराष्ट्र कच्छ और एडजनी पाकिस्तान कोस्ट की तरफ बढ़ रहा है और ये 70 किलोमीटर दूर पे है और इसका जो वाल क्लाउड है अभी एंटर कर रहा है सौराष्ट्र कच्छ के कोस्टल डिस्ट्रिक्ट में। हैवी रेन चल रहा है, तेज हवा चल रहा है, लगभग 80-90 किलोमीटर पर आवर विंड स्पीड चल रहा है कोस्टल डिस्ट्रिक्ट में और नियर बाय सी एरिया में। हमारा उम्मीद है कि मिडनाइट तक लैंडफॉल प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, अभी लैंडफॉल प्रोसेस शुरू हो चुका है। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि फिलहाल इसकी आगे की दिशा क्या कुछ यहां पर रहने वाली है, किस तरह की इसकी गति अभी है और आगे रफ्तार कितनी बढ़ेगी या फिर कब जाकर इसकी रफ्तार में ठहराव नजर आएगा? जो हमने पूर्वानुमान किए वही पूर्वानुमान बजाया है, 115 से 125 किलोमीटर प्रति घंटा और गस्टनेस पे कहीं कहीं 140 किलोमीटर प्रति घंटा विंड स्पीड हो सकता है मिडनाइट तक। ये पूरी साइक्लोन का जो सेंटर है आई है लैंड पे आ जाएगा और इसके बाद ये वीक होगा धीरे धीरे और नॉर्थ ईस्ट दिशा पे चलेगा। 16 तारीख को नॉर्थ राजस्थान में रहेगा सुबह और 17 तारीख सुबह राजस्थान में पहुंच जाएगा। जो आप जिक्र कर रहे हैं इसके कमजोर होने का, वो एक बार फिर से हम डिटेल चाहेंगे क्योंकि अभी जो तस्वीर सामने आ रही है वो वाकई डरा रही है। लैंडफॉल होने के बाद धीरे धीरे कमजोर होगा, अभी नहीं, अभी कमजोर नहीं है, अभी वेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म है और वेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म जैसे ये तट को पार कर रहा है, अभी लैंडफॉल प्रोसेस शुरू हो चुका है।
तो लैंडफॉल प्रोसेस यहां पर शुरू हो चुका है। अभी और एक बार फिर से हम चाहेंगे, जो दर्शक इस वक्त आपको सुन रहे हैं महापात्रा जी, वो ये जरूर जानना चाहते हैं कि अब इसकी रफ्तार और कितनी ज्यादा बढ़ने वाली है और आखिरी तक इसकी रफ्तार कितनी हो जाएगी बढ़ते हुए। और ज्यादा बढ़ेगा नहीं, 115 से 125 जो पूर्वानुमान दे रहे हैं वही विंड स्पीड अभी चल रहा है, वही विंड स्पीड के साथ ये तट को पार करेगा। तो 115 से 125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार यहाँ पर महापात्रा जी बता रहे हैं। और महापात्रा जी, क्या कुछ इस दौरान ये पूरी स्थिति होने वाली है? न्यूज 18 से खास बातचीत में आईएनडी के डीजी महापात्रा जी कह रहे थे कि एक जैसा कि यहाँ पर महापात्रा जी जानकारी दे रहे थे कि 125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार रहने वाली है और ये बेहद खतरनाक है। ये आप देखिए, ये जो स्ट्रक्चर टूट रहा था अब इसको साइड किया गया है ताकि यहाँ पर नुकसान काफी कम हो, क्योंकि ये किसी को भी हिट कर सकता है। कई सारी चीजें ऐसी हैं जो लोगों को हिट की है। और आप देखिए कि हवा की रफ्तार थोड़ी सी धीमी पड़ी है, जैसे ही हवा की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ती है हम लोग थोड़ी राहत की सांस लेते हैं, लेकिन द्वारका में कैसे स्ट्रक्चर टूट रहे हैं यहाँ पर देखिए। ये जो कर्मचारी है ये भी मुस्तैदी से बैठे हुए हैं ताकि यहाँ पर क्लियर किया जा सके, लेकिन जिस तरीके से क्योंकि ये लाइट वेट है ऐसे में ये फिर से उड़ सकती है। हवा की रफ्तार अभी बढ़ेगी, हवा की रफ्तार अभी 125 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, तो ऐसे में बड़ा रिस्क बड़ा है। और आप देखिए कि वो जो लोगो है वो भी किसी भी वक्त गिर सकता है, किसी के ऊपर गिर सकता है, ये मुश्किल की घटना। तो ये बेहद मुश्किल की घड़ी है, ये एक ऐसी स्थिति है जिसका सामना इस वक्त यहां पर हर कोई कर रहा है। हालांकि राज्य सरकार और केंद्र सरकार की पूरी नजरें यहां पर बनी हुई है। बिपरजॉय तूफान जो कि गुजरात के तटीय तक जैसे ही टकराता है तो इस महातूफान का ये सबसे बड़ी तस्वीर जो है, महाविनाश की जो तस्वीर है वो यहां पर अभी फिलहाल शुरू हुई है। हालांकि हर कोई यही उम्मीद कर रहा है कि अब क्योंकि 115 से लेकर 125 किलोमीटर तक की रफ्तार यहां पर बताई गई है धीरे धीरे कम हो, लेकिन फिलहाल ये शुरुआत भर है। बिल्कुल, ये तो शुरुआत भर है जैसा कि कहा जा रहा है। और हम जब समय इतना नजदीक आ रहा है तो मैं तो आप देखिए किस तरह से ग्राउंड जीरो से मेरे सहयोगी जसप्रीत यहां पर आपको दिखा भी रही हैं कि जैसे ही ये तूफान टकराता है गुजरात के तटीय इलाकों से तो उसके बाद कितनी भयावह तस्वीर जो है वो यहां पर बनने लगती है। अभी फिलहाल तूफान की जो ये रफ्तार है, साइक्लोन की जो ये रफ्तार है और बढ़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि 115 किलोमीटर प्रति घंटे से शुरू हुई है रफ्तार 125 तक पहुंचेगी। और आप अंदाजा लगाइए कि किस तरह से मजबूत नींव भी इसके सामने यहां पर नहीं पाएगी। और यही वजह है कि पहले से ही जब आशंका इस बात की जताई गई थी, ये डिटेल यहां पर सामने आई थी, तो तैयारियां भी शुरू कर दी गई थी। और अब देखिए कि किस तरह से चक्रवाती तूफान